इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। के लिए बेइज्जती का निशाना बनाया हो, दोनों अतराफ से अपने अपने मौकफ सामने आए हैं, लेकिन वट एवर द केसेस, क्या मारना पीटना तशद्दुद करना अलाउड होना चाहिए सियासत में या नहीं होना चाहिए। कामरान, सबसे पहले आपकी तरफ ही आते हैं, ये कल क्या हुआ कामरान, आपकी नजर में हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये कल का जो वाकया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पहला वाकया नहीं है कि टीवी टॉक शो के अंदर इस तरह की, अब मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, कि जिस तरह की बदतमीजी वहां पे हुई। इससे पहले भी ये वाकयात होते रहे हैं, डॉक्टर साहिबा भी उसमें मुलविस रही हैं और भी दूसरे लोग रहे हैं, और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप देखें तो हमें ये मनाजर देखने को मिलते रहे हैं। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये अक्कासी कर रहा है कि हालिया सालों में जो हमारी सोसाइटी में, हमारी सियासत के अंदर ये एक पोलराइजेशन हुई है, जो तकसीम हुई है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। अब तकसीम होना, नजरिए की बुनियाद पर नुक्ता नजर रखना, ये कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल मेरी राय एक हो सकती है, आपकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो जमहूरी जो ममालिक हैं, जमहूरी माशरे हैं, या जहां पर तहजीब को परवान चढ़ाया जाता है, वहां पर एक दूसरे के नुक्ता नजर का एहतराम किया जाता है और एक खास जो हद है उसको पार नहीं किया जाता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर तो हद जो है ना वो पार हो रही है। अच्छा, अब तरीके इंसाफ को, कामरान, आपको लगता है इस तरह के माजी के अंदर जो वाकयात हुए हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किसी इंसिडेंट के ऊपर एक्शन लिया था, लेकिन बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नहीं कोई एक्शन लिया, PMLN ने भी नहीं लिया, PTI ने भी नहीं लिया। हालिया औकात के अंदर जिनकी आप बात कर रहे हैं कि पोलिटिकल डिवाइड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो पाकिस्तान में वो ज़माना जहाँ बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जहां अजीबो गरीब किस्म के नारे मरियम नवाज पे, जिस टाइम पे वो बच्ची थी उस टाइम पर कसे जाते थे, ये चीजें तो हम अपनी सोसाइटी में, हम अपनी सियासत में बड़े अरसे से देख रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। फर्क ये आया है कि क्योंकि अब जो मीडिया की आउटरीच है वो बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज्यादा आउटरीच है, तो पहले अगर अखबार की हद तक या चंद लोगों तक वो खबर महदूद रहती थी, अब वो ऐसे हालात नहीं है। तो ऐसी सूरत में आई थिंक अब होना ये चाहिए कि बाद में कुछ चीजें चेंज भी हुई। देखे ना, अगर जो मिसाके जमहूरियत जब हुआ तो उसमें इस चीज को रियलाइज किया गया, बाद में उस पर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, कि उसमें दोनों बड़ी जमातों ने ये रियलाइज किया कि जो 90s की पॉलिटिक्स थी, जिस तरीके से उन्होंने दोनों जमातों ने पॉलिटिक्स की, वो नहीं करनी चाहिए, उससे हमने आगे बढ़ना है। तो शायद आज भी वो मिसाके जमहूरियत कह लें या वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेलेवेंट है, अदर देन जो भी जमहूरियत की हम बात करते हैं उसके अंदर एक दूसरे के नुक्ता नजर का एहतराम करना, आई थिंक ये चीज होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में किसी लेवल पर जाकर के ये जो तमाम जमातें हैं, टीवी टॉक शोज पर जाते हैं या पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होती है, कोई मिनिमम एक स्टैंडर्ड इनको सेट करना पड़ेगा कि देखिए, ठीक है इख्तलाफात हम जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह की हाथापाई, इस तरह की जो जबान का इस्तेमाल है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मैसेज क्या जा रहा है। फिर जब लोग सही सवाल करते हैं कि ये जो किस तरह के हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जी, हमारी क्या खिदमत करेंगे जब इनके अपनी जो अकदार हैं वो इतनी गई गुजरी हैं, तो उससे एक तो माशरे को गलत पैगाम जा रहा है, और दूसरा ये भी है कि जमहूरियत जो है, पहले ही हमारे यहाँ लूली लंगड़ी जमहूरियत है, तो उससे जो सियासतदान है वो भी डिसक्रेडिट होता है, क्योंकि एक सियासतदान ही है जो जमहूरियत की मार्केटिंग कर रहा है। अगर मार्केटिंग इस तरीके से होगी तो फिर किसने जमहूरियत के ऊपर इस तरीके से एतबार करना? अग्रीड। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्या एक्शन लेना चाहिए कामरान आपकी नजर में, और क्या कोई एक्शन लिया भी जाएगा? दीज टू क्वेश्चंस। देखें, एक्शन लिया जाएगा, मुझे आई सीरियसली डाउट कि एक्शन लिया जाएगा, हालांकि एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन क्या होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है कि जाहिर है वो पार्टी की मेंबर हैं, तो उनके खिलाफ जो उनका तरीका कार होगा, जो उनके आइन में है, उनको एक शो कॉज नोटिस भी जा सकता है कि ये रवैया जो है इसकी आप वजाहत करें, आपने इस तरीके से क्यों किया। दो के डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम जारी किया है, उसमें वो जस्टिफाई कर रही है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इल्जामात
उनकी तरफ से लगे वो मजबूर हुई इस तरह का इकदाम लेने में, और जो मीडिया या सोशल मीडिया पे बात आ रही है वो वन साइडेड स्टोरी बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी वो अपने रवैये पर माजरत नहीं कर। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ ये थी पाकिस्तान की फिरदौस आसिक अवान, ये बेसिकली अभी तो इमरान खान की पार्टी से हैं और ये इमरान खान की पार्टी में मिनिस्टर भी थी, लेकिन इन्हें हटा दिया गया, इनके ऊपर कुछ मतलब अपने जो लोगों की सिफारिश करने के आरोप लगे और अपने जो लोगों को मतलब जॉब या पैसे जो भी कुछ देने के आरोप लगे थे। तो गाइज़ ये जो हैं ये टीवी पर एक डिबेट के दौरान काफ़ी उलझ गई जो अपोजिट मेंबर पार्टी के प्रवक्ता थे उनसे, और उसके बाद हुआ क्या कि ब्रेक में ये उनको थप्पड़ मारने लगी। और जो वीडियो है वो बहुत छोटा है, उसमें मतलब अभी कई क्लिप में ऐसा भी आ रहा है कि इन्होंने काफ़ी थप्पड़ मारे और सामने वाला बंदा डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाया, कैसे, क्योंकि ऐसा होता है, महिला अगर आपके सामने आपकी पिटाई कर रही है और वो भी कैमरा ऑन है तो आप नहीं कर सकते कुछ, चाह कर भी अगर आप कुछ करेंगे तो उल्टा आप ही बदनाम होंगे, गलती आपकी देखी जाएगी, ऐसा होता है, ये मतलब एक है सोसाइटी में। तो ये बेचारे थप्पड़ काटे रहे और ये मारती रहीं, उसके बाद इनका तो कुछ होना है नहीं। आपको भी पता है, बता दूं कि ये बहुत पावरफुल हैं, इनको मतलब मिनिस्ट्री से हटा दिया गया, फिर ये आ गई वापस, ऐसा इमरान खान की पार्टी में होता है। एक फयाज़ुल चौहान थे, उन्होंने हिंदुओं को काफ़ी गाली दी थी, उसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री में हटा दिया गया, जिसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट मीडिया था इंडिया में काफ़ी खुश हुआ कि इंडिया में देखो ऐसा होता वैसा होता, और उसके एक महीने बाद उनको और बड़ा पद दे दिया गया, वो चीज़ नहीं दिखाई लेफ्ट मीडिया ने। तो गाइज ये जो फाइट है, आपको भी पता है कि ये आजकल के जो मीडिया हाउसेस में जो डिबेट होती हैं उसमें मतलब बहसबाजी किस लेवल की हो जाती है, ये 90s का या 80s का मीडिया नहीं है जहाँ पर एक मतलब ऐसे सुर से बात की जाती है बिल्कुल आराम से धीमे लहजे में। आजकल का मीडिया आपने देखा है सिस्टम ही चेंज हो गया, पूरा चिल्लाओ तो लगता ही नहीं, अगर कोई स्लो आदमी बोले तो लगता है झूठ बोल रहा है, चिल्लाकर ही बात की जाती है। तो ये तो भारत में भी होता है, लेकिन भारत में हाथापाई के मामले बहुत कम हुए हैं, हालांकि भारत में हाल ही में गाली गलौज के मामले बहुत ज़्यादा हुए हैं, आपने देखा होगा गाली गलौज के मामले, मतलब आपने वीडियो भी देखे होंगे। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।